गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड में फ्रेंड्स आज अट्ठाईस अप्रैल और आज हम लोग अट्ठाइस अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं अट्ठाइस अप्रैल से झारखंड के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी डेली मॉर्निंग पाँच बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियो आया करती है तो आप इसे जरूर से देखा करें साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ डेली बेसिस पे शाम के सात बजे प्रोवाइड कर दी जाती है ठीक है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से झारखंड के किस जिले के ग्राम पंचायत को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है ठीक है तो हाल ही में झारखंड के तीन जो है डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है वो तीन जिला कौन कौन सा फ्रेंड्स रामगढ़ गिरिडीह बोकारो ये तीन जिला हैं जिनको ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ठीक है इसको आप याद रखिएगा राम तो हम लोग यहाँ पर यह भी देखेंगे कि रामगढ़ के किस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को गिरिडीह के किस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को और बोकारो के पर्टिकुलर किस ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं ठीक है चलिए इसके डिटेल्स में हम लोग पे प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं केंद्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर वित्तीय वर्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना पुरस्कार बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है तो ये तीन पुरस्कार हर वित्तीय वर्ष में दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा ठीक है यानी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ठीक है और देश के हर एक जिला के हर एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है ठीक है तो जो चयनित होता है उसको दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो झारखंड के तीन जिला सेलेक्ट हुए हैं इस वर्ष ठीक है तो जो तीन जिला सेलेक्ट हुए हैं उसके पर्टिकुलर किस ग्राम पंचायत को दिया गया है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तो झारखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़ ठीक है रामगढ़ के दुमली प्रखंड के ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष ठीक है और नेक्स्ट है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट गिरडी डिस्ट्रिक्ट के बिरनी प्रखंड के जो है कपिलो ग्राम पंचायत को एक ग्राम पंचायत का नाम है कपिलो तो उसको जो है दिया गया है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ठीक है कपिलो ग्राम पंचायत को जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है नेक्स्ट है बोकारो के पेटरवार प्रखंड ठीक है बोकारो के पेट पेटरवार प्रखंड के बुंडू ग्राम पंचायत को ठीक है बुंडू ग्राम पंचायत आप याद रखिएगा जो एक ग्राम पंचायत है उनका नाम है बुंडू ठीक है बुंडू ग्राम पंचायत को बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस वर्ष ठीक है तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देखा जिसको इस वर्ष जो है पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज का अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में प्रस्तावित सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इस साल कहाँ आयोजित की जाएगी ठीक है सो इस वर्ष कहाँ आयोजित की जाएगी वर्ष 2021 की जो प्रस्तावित सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है तो झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस साल दिल्ली में नवंबर में प्रस्तावित एशियाई वशू चैम्पियनशिप अब अगले साल फरवरी में होगी इसे देखते हुए रांची में मार्च में, 2021 में प्रस्तावित सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इस वर्ष 26 से 30 दिसंबर तक होगी ठीक है कहाँ होगी तो रांची में ठीक है रांची में होगी 26 से 30 दिसंबर तक ठीक है यहाँ पे एक और प्रश्न आता फ्रेंड्स कि सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2021 के लिए जो है रांची में होगी अच्छा सीनियर कहाँ होगी फिर ठीक है और जूनियर कहाँ होगी ये भी आपको पता होना चाहिए सब जूनियर जो है रांची हो हो में होगी सीनियर होगी राजस्थान में ठीक है राजस्थान में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप आयोजित की जाएगी और जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप आयोजित की जाएगी उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा में जो है ने जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप आयोजित की जाएगी तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद होना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ तो मैं हर एक क्वेश्चन के खास जितने भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से तो वो सारे क्वेश्चंस में आपको कवर कराऊंगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ठीक है ठीके? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न है हाल ही में अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं ठीक है ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है पहला भारतीय कौन बन गया ये आपको पता होना चाहिए तो हाल ही में एप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है प्रोफेसर शाली वाहन ठीक है यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे आईआईटी आईएसएम धनबाद एप्लाइड जियो फिजिक्स के प्रोफेसर शाली वाहन को जियो फिजिक्स एजुकेशन में उत्कृष्टता के लिए एप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है ठीक है यह अपना अवार्ड का नाम है जो है आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड ठीक है प्रोफेसर शाली वाहन को यह अवार्ड सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरेशन जियो फिजिस यूएसए की ओर से दिया गया है ठीक है तो इनको यहाँ से यूएसए की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है, जो कि हमारे इंडिया के पहले हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं ठीक है झारखंड के आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रोफेसर हैं ठीक है इनको जो है जियो फिजिस आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया तो ये अवार्ड का नाम है इनको आप याद रखिएगा और यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन है प्रोफेसर शालिवान इनको भी याद रखिएगा कि इस अवार्ड के लिए ये सम्मानित किए गए हैं ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज का अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किस पदार्थ से हैंड सेनिटाइज़र बनाने की पहल की गई है ठीक है तो हमारे झारखंड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जो है महुआ से ठीक है महुआ एक पदार्थ है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा महुआ से हैंड सेनिटाइज़र बनाने की पहल की गई है ठीक है तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स में इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने महुआ से सैनिटाइजर बनाने की पहल के लिए लखनऊ के राष्ट्रपति वनस्पति संस्थान से हाथ मिलाया ठीक है तो ये पहल की गई है किसके द्वारा हमारे झारखंड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में इंदुशेखर चतुर्वेदी को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव बना गया है पूर्व में झारखंड का कौन सा पदभार दिया गया था ठीक है तो झारखंड का कौन सा पदभार इनको दिया गया था उसके बाद ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने गए हैं तो ये पदभार दिया गया था वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव का ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेट, रिलेटेड उन्नीस बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इंदुशेखर चतुर्वेदी को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय योजना मंत्रालय का सचिव बना गया है इससे पहले वे झारखंड में वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के सदस्य रह चुके हैं ठीक है थीके? तो आप इसे याद रखिएगा इनका नाम है इंदुशेखर चतुर्वेदी ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है जो कि आंसर ऑफ द डे है आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था ठीक है और आपने जो है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल किया है तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किस माध्यम से दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई तो किस माध्यम से दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई थी आ, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर जो कि है ईमेल के, के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईमेल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई ठीक है चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ईमेल के जरिए दाखिल याचिका पर एक मामले में सुनवाई की गई चीफ जस्टिस रवि रंजन ने अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की ठीक है चलिए तो ये था महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगला प्रश्न और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ़ क्वेश्चन ऑफ़ द डे है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला नंबर वन पर है ठीक है तो ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर वन पे है आपको बताना है इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ ऑप्शन बी लोहरदगा ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम या ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम ठीक है तो आप प्रयास कीजिएगा कि इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकें ठीक है तो ये था 28 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे तो आप इसे जरूर से लाइक कर दिया कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमारे अन्य फ्रेंड्स भी इस महत्वपूर्ण सेशन से, से जुड़ सकें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाया करेगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ नमस्कार